प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। हुजूर, मुकदमा लड़की की शिनाख्त का है। क्या नाम है उसका? हुजूर, दमयंती बताती है। तुम्हारा नाम क्या है? जी, ब्रजदत्त। ब्रजदत्त पाठक। ब्रजदत्त पाठक, तुम इस लड़की को जानते हो? अरे अम्मा, एक शादी तो कर छोड़ी, आपका दूसरी भी ब्याह लाऊं? ब्याह करे का को कहत है? हम तो यही कहत हैं तू गौना कराएला। तो अम्मा, जब तुमने फैसला कर ही लिया है तो मुझसे काहे पूछती हो? जाओ और ले आओ अपनी बहू का।
ओम ओम ओम। हाय बेटा तू, अरे खुश रहो, खुश रहो भैया। अरे हाँ हाँ अभी था। अरे अरे तू कैसी आ गया बेटा, बहुत अच्छा बेटा। अरे कौन है, अरे कौन है? अरे अंदर से बैठे बैठे हुक्का ही गुड़गुड़ाते रहोगे कि बाहर भी आओगे? कौन आया है? देखो बजदत्त आया है। अरे बजदत्त बेटा तो अरे बेटा तू तो कल आने वाला था। हाँ बाबूजी कल आने वाला था, पर इन गाड़ियों का कुछ पक्का रहा नहीं। आप तो जाना था कि कभी टिकट मिले हैं तो कभी ना मिले। बल्कि आज ही बड़ी मुश्किल से तो मुझको प्रयाग से गाड़ी मिल पाई है। आफत है बिल्कुल। अरे अभी तक यही खड़ा है, आराम से बैठ कर बातें कर। हाँ बेटा मैं ठीक कहती, चल बैठ कर बातें करते। अरे बेटा मलेच्छर में कौन तकलीफ तो नहीं रही बेटा? अरे नहीं बाबूजी, एकदम मजे में था, बिल्कुल कहते हैं चौका। वाह बेटा वाह, जीते रहो। ये छावनी में कैसी परेड कराते हैं, देखो तो रंग कैसा दब गया है। अरे हफ्ता धरती खुली हवा में घूमिए हाँ, टहलिए हाँ, और अपनी अम्मा के हाथ का बना खाना खाइए, तब हमारे बचवा का रंग जो है खिल जाइए। अरे अपनी अम्मा के हाथ का काहे, अपनी बेहुरिया के हाथ का खाइए। हाँ। अरे जब तुम उनका खेत में काम करे थे छुट्टी दे हो तब ना। लियो दमती भी आई गई। अरे दमती कहाँ थी अब तक? वो बैलों के खुर में कीला घुस गया रहा, हाथी नहीं धरने देता था। बड़ी ही मुश्किलों से तो निकाला है। अब हो गई 3-4 दिन की छुट्टी, वही में देर हो गई। अम्मा कहाँ है? रसोई माँ खाना बना रही हैं। अम्मा तुम फिर पहुंच गई चूल्हे के पीछे? अभी नहीं सुनोगी तो रात भर गोले के दर्द से कराहती रहोगी। हटो मैं करती हूँ। दमती बजदत्त आया है, अब क्या मैं उसे भूखा प्यासा बैठाए रखती? अम्मा तो तू छोड़, मैं करती हूँ ना। अब की बार मरे काली चरण की हुआ से राशन ना लई हो, अरे जितना बड़ा दाना उतना बड़ा कम कर। अम्मा वो पैसे जो है वो बाबूजी का दे दिया। काहे? अरे उनसे कहियो कि याद से जाके बाजार से सौदा ले आवे, नहीं तो फिर मुसीबत हो जाइए। तोरे बाबूजी कुछ करत वरत नहीं है, वो टस से मस ना हुई है। और जो गुड़गुड़ी सुनो तो जानो की जागत है।
ना तो सो गई। तू ही किसी दिन दमती का लेकर बाजार चला जा और राशन घर धरा जा। यूं भी बैल के मारे चार पांच रोज खेत में कुछ ना होए वाला। ये तुम ठीक कहे अम्मा, और वैसे भी हम का हिया का काम दिन भर ऐसे ही पड़ा रहता, बल्कि अब है हो जाता हूँ। अरे अरे, अब ही तो आया है और दमकी का भी ढेरों काम है, तड़के चले जाई हो। काका मंगाएं हैं अम्मा बाजार से? एक सिर मूंग, दो सिर चावल, आधा सिर गुड़, तेल, जीरा और खड़ी हल्दी और का मंगाएं हैं? और आधा सिर जौ आपके लिए। माँ कहती है आपको जौ बहुत भाता है। अच्छा, तो यानी हमार पसंद का ख्याल है तुम्हें? माँ को है। अच्छा यू बताओ, का तुम का अपने लिए कुछ नहीं चाहिए? नहीं। क्यों? अरे भाई सोच लो, चूड़ी, कंगन, झुमका, पायल, टीका, यू सब मिलता है बाजार में गोपी चंद के हुआ। कहो तो तुमका सब दिलवाए दूं। क्या करूंगी इनका? अरे करोगी का, पहनोगी तो कितनी अच्छी दिखोगी, कितनी सुंदर दिखोगी। उसका क्या करना, कोई भला खेत पर झुमके और पायल पहन के जाता है? माँ ठीक कहती है कि बेटा दमयंती का तो काम के अलावा कुछ और सूझत ही नहीं है। जब नहीं होता है तो काहे करती है इतना काम? काम में कौन मना करता है, मैं तो सिर्फ इन कड़ों का कह रही थी। अच्छा अच्छा भाई, अब छोड़ो सब फजूल की बातें। बड़ी मुश्किल से तो ये मौका हाथ आया है, अब ऐसी इधर उधर की बेफजूल की बातें करके का फायदा? मौका? हाँ काही का मौका? बताता हूँ, तनिक इधर तो आओ। इतनी दूर दूर खड़ी हो, दूर दूर चल रही हो, लग रहा है दो अलग अलग लोग बाजार को चले जा रहे हैं। अच्छा आओ बैठो। अरे अब छावनी जाए का जी नहीं करता, तो यहीं रह जाओ ना। यहीं जाना तो पड़िए, जाना जरूरी है। अच्छा फिर कब आओगे? देखो भगवान जाने, इसी बार बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिल पाई थी। तो फिर आए ही क्यों थे? मेरा भी जी खराब किया, नाहक ही मैं तुम्हारी बातों में आ गई। ए नाराज क्यों होती हो? अच्छा चलो, अगली बार आऊंगा तो पूरा एक महीना रुकूंगा और फिर छावनी से तुझे चिट्ठी भी तो भेजा करूंगा। तो मुझे कौन पढ़ना आता है? अरे पढ़ना नहीं आता है तो अपनी अमीना बुआ से पढ़वा लेना। राम राम, तुम्हारी बेहूदगी की बातें मैं उन्हें ना बताऊंगी। हाँ भाई वो सब तुम जानो, जो मेरे मन में आएगा मैं वही लिख भेजूंगा तुम्हें। अच्छा क्या लिखोगे? वो भी बताता हूँ, पहले जरा ये बत्ती तो बंद कर दो, वरना अम्मा बाबूजी नीचे सोचेंगे कि ऊपर न जाने हम लोग क्या कर रहे हैं।
का भाई का बेटा। अम्मा कुछ कह नहीं सके थे, इसी बार बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिल पाई थी। सुखी रखे, खुश रहे बेटा, सुखी। अपना खाए पिए का ध्यान रखियो बेटा। अच्छा गीता रहो बेटा, खुश रहो बेटा, अपना ख्याल रखना। बाबूजी आप लोग भी अपना ख्याल रखिए। खाए पिए का कोनो कमी हो के ना चाहिए, हैं? और अच्छी तरह से रहो, हैं? जीते रहो बेटा, जीते रहो। भगवान तेरा रक्षक है। अपना खाए पिए का ध्यान रखियो बेटा। आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा। हाँ बेटा, अपना ख्याल रखियो, भगवान तुझे रक्षा करे बेटा। अच्छा मरी कहाँ थी तू अभी तक? अभी अभी तो गया है। अम्मा तनिक आवाज दो ना, कचड़ रह गवा है। नहीं नहीं मरी, पीछे से नहीं घोराते। अब की रहे दे, अगली बार दे दियो। अरे रहे दे अब की। कहाँ थी तू अब तक? तुम हाथ तो दो। अब हाथ क्या क्या करेगी, जान दे, पहले ही बहुत देर हो गई। ऐसी कौन सी बहुत देर हुई जाती है, मुड़ करके पीछे देखा भी नहीं। मैं कब से लाती फांती चली आ रही हूँ। बस ये देना था। ये क्या है? ये इमाम जामी आमीना बुआ ने दिया है तुम्हारी खैर के लिए। अब जाओ तुम, पकड़ो अपनी गाड़ी। दमती बढ़ई आवा है, हल गाड़ी बनवाए ले। आई अम्मा। प्यारी दमयंती, तुहार बहुत याद आत है। सुबह से शाम तक की मसक में अब तनिक भी दिल नहीं लागत है। जी में तो आत है कि नौकरी वोकरी सब छोड़कर गांव चला हूं तुहार पास, पर तुम तो जानत हो कि खेती मुझसे हुई है ना, और वैसे भी गांव में तो तुम मुझसे भागी भागी फिरत हो। इस वक्त भी ना जाने का करे होगी तुम। पर मैं सिर्फ तुम्हें याद करता हूं, और तुम्हारी याद में बाकी सब दुनिया से बेगाना हो गया हूँ। खाना पीना सोना जागना दोस्त अहबाब किसी में तो मन नहीं लगता है। तुम्हारा पहला दीदार मुझे भूलता ही नहीं। बस
हवा के झोंके की तरह किवाड़ खोल कर भीतर आ जाओ। दमती कहाँ हो तुम, हर चीज में मैं तुम्हारी छवि ढूंढता हूँ। ये खत तुम्हें चंदर के हाथों मिलेगा, मेरे बचपन का दोस्त तू है, उसी के जरिए लिखूंगा। अपनी आमना बुआ को मेरा सलाम कहना। तुम्हारा घर वाला ब्रिज दत्त। बहुत चाहत है रे तेरा घर वाला तो का। काहे रो हुआ थे पागली, काहे रो हुआ थे बुआ? जाने क्या टोना करके सब कुछ फीका लगता, बस कुर्सी में बैठ जा सारा दिन रोती रहती हूँ। ना ना रो। अम्मा से कुछ कहते बनता नहीं, ये जाने मुझे क्या हो गया, मैं ऐसी तो नहीं थी। अरे तो का पगली, इश्क हुए गया है, इश्क। हाय राम बुआ, क्या कहती हूँ? अरे आज जेका तब बुआ कहा थी ना, पहले लोग आमना बाई कहा था रहे, बड़ा वक्त हम हूँ देखा है, हमारा भी एक जमाना रहा, हजारों आशिक रहे, रास्ता चलना दुश्वार हो जाता रहा। और जौन हाल तोरा आज है, अरे ये कैफियत से तो हम सैकड़ों बार गुजर चुके। तो का तो फिर अपने घर वाले पर ही प्यार आएगा है ना? हाय राम बुआ, कैसे फजूल की बातें करती हो, अब हम कभी ना आएंगे तुम्हारे पास सलाह करने। जरूरी बात, हम अपन काम धाम छोड़ करके बगिया से तुम्हार खातिर अमिया तोड़ के लाई, अभी हमारे पास फुर्सत नहीं है। तू का कह रही है? पौधन का जमा करे, हर पौधन का घर अलग, ताकि हर एक का ठीक खुराक मिले। दमती हमार घर नहीं हो सकत, का बात करेगा है तुम? हिया नहीं, शाम का मिलो मंदिर में अजान के वक्त। यही बात है। अच्छा तू उससे मिली कैसे? बुआ भेजी है अपन चुन्नी रंगाई खाते। वो बुआ की चुन्नी। ये रंग आप पर बहुत खिलेगा।
क्या नाम है? सगीरा। तो बुआ का बताई है? नहीं। तुरंत दिमाग तो ना खराब हो गया है दमदी? ये सब का उल-फुल बकत थी है? कहीं भला ऐसा हो सकत है? काहे बुआ, काहे नहीं हो सकत। आखिर कब तक ऐसे ही घुट घुट कर जीती रही है? चुप रहो तुम। देख दुलारी, तय की बातन में ना है, ये खुद नहीं जान रही कि काव कहा थी है? एक विधवा दूसरी शादी करे, अरे ये का समाज कबूल कर ले है? तही बताओ। मैं नहीं मानती ऐसे समाज को। ए लड़की, तय गांव में हंगामा कर रही भी का है? का मतलब है तोरा? ओफो बुआ, हम तो ये सोच के आए थे कि आप हमारा साथ देंगी, आप तो उल्टे उन्हीं की तरफदारी करने लगे। अच्छा बुआ, चलते हैं। जाओ जाओ जाओ, हम हो कहीं सब खुराफाती बातन में ना पड़ेगा। कल कल की लौंडिये आई हैं बुआ के बेवकूफ बनावे। जाओ। आए अम्मा। हाँ। अम्मा क्या बहुत पिरा रहा है? हाँ। मैं हींग बना लाऊं? ये गोले का दर्द हींग से ना जाए, इसका इलाज हम जानत हैं, मुला डरते हैं कोई देख ना ले। मैं समझी नहीं। तो बाबूजी के गुड़गुड़ी माँ तंबाकू भर के लाए दे। अरे चोरी से लाइयो, कोई देख ना ले। हाँ जा। तो आए का है? का हुआ? का हम का देख के खुश नहीं हुई का? नहीं बेटा, बेटे का मुंह देखे को मिले इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। पर तू ही तो कह गया था अब की देर से आना होगा, छुट्टी मिलना मुश्किल है। हाँ माँ, वो दरअसल यहाँ से छावनी पहुँचते ही छुट्टी की अर्जी दे दी थी मैंने। हाँ। अब देखो भगवान की कृपा से मान ली गई तो बस छुट्टी मिलते ही तुरंत ही चला आया। बड़ा अच्छा किया बेटा तूने। अम्मा वो दमयंत बाबूजी कहाँ हैं?
नजर नहीं आते का कहीं बाहर गए का? बाबूजी बाजार गए हैं। काहे? सामान लाए खातिन। का हुआ? अब का कही? तमतीन का न जाने का हुई गवाह है। सारा दिन बेसुध पड़े रहा थे। अच्छा? नहा दो कर सफर की थकान उतार। जाओ। हाय राम, ये फिर कोई सपना है? सपना तो ले, छू के देख लो। समिती तूने क्या हाल बना रखा है? माँ नीचे कह रही थी कि तेरी तबीयत ठीक नहीं। ये सब कुछ तुम्हारा ही किया था राम। मेरा? लो भैया, मैंने क्या किया? कोई टोटका कर गया तुम मुझे। टोटका? ठीक है तो फिर मैं चला जाता हूँ। नहीं, अब कभी मत जाना। अच्छा भाई, जरा ये बत्ती तो बंद कर दे। ये साड़ी रेशम की है और ये कंगन, ये तो चांदी के दिखते हैं। हाँ माँ, चांदी के हैं। ये सब किसके लिए लाया है? बाबू के लिए। अरे क्या बातें हो रही हैं, है? माँ बेटों में। जी राम, जो कुछ लाया भी है? हाँ लाया ना। हाँ लाया हूँ। अच्छा अच्छा, पिछली बार तो बहुत थे, अभी तो बहुत कम लग रहे हैं। हाँ वो बाबूजी, इस बार वो छुट्टी जल्दी ले ली है ना मैंने। हाँ। तो कुछ इस मारे काट लिए गए। अच्छा। और कुछ मुझसे खर्च हो गया। देख लो, जाओ उठ, मुँह हाथ धो। देखियो पिछली बार आवारा कितना लेके आवारा, और अब देखो ई लावा है। ई सब बहू का किया है, जानत नहीं हो का? कहे देते हैं तुमका, ओ का जादू चल गया है। अरे अरे, क्या कर रहे हो? अम्मा देखेंगे तो क्या कहीं है? अरे तुम का रुखत अम्मा की पड़ी रहती है, घर की पड़ी रहती है, बाबूजी की पड़ी रहती है, हमारी तो कोई फिक्र ही नहीं है। और मैं जो इतनी दूर से छावनी से यहाँ आया हूँ, किसके लिए? तुम्हारे लिए। सच कहता हूँ तुम्हार बहुत याद आती है। अच्छा ये बताओ, ये कंगन अच्छे लगे? बहुत अच्छे हैं। अच्छा एक चीज और है तुम्हारे लिए, जरा पहन के तो दिखाओ, देखूं तो कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की इसको पहन के कैसी लगती है। अभी नहीं, रात को। बहू, अरे उसे मुंह हाथ धोने दे।
शायरी सुनियो। अपने दोस्त से लिखवाइए, छावनी में रहते। जरा मुड़ के देखो ओ मेरे हमदम, जरा मुड़ के देखो ओ मेरे हमदम, तुम्हारे लिए दिल धड़कता है हरदम। एक पल देखूं गौर से तुझको, एक पल देखूं गौर से तुझको, चैन आ जाए दिल को, करार मिल जाए मुझको। और सुनो, रह नहीं पाऊंगा अब मैं अकेला, रह नहीं पाऊंगा अब मैं अकेला, मुझे चाहिए तेरा साथ, तेरा साथ अलबेला। क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी का? कोई बात नहीं, दूसरी चीज। मिठाई तुम्हारे वास्ते खासकर हब्बू हलवाई के यहां से लाया हूं। नाम सुना? हब्बू हलवाई का नाम नहीं सुना? पूरे गांव में उसकी जैसी मिठाई को दूसरा बनाए तो तू नाम बदल लेवा। मुंह करो, मुंह करो, बड़ा मुंह करो, और बड़ा मुंह करो, छोटे मुंह जाए ना। खा खा खा। कैसी है, अच्छी लगी? जी क्या हुआ? महंगी महंगी मिठाई है, उस कलमोही का खिलात है, हम देख के आइन है, क्या करी? अरे जब अपनी औलाद ही नालायक निकल गई तो हम क्या करी? बीच तक का जाए देव, फिर हम देखी इसका कलमोही का। खुश रहो, क्या वृद्ध? कल ही आए। बैठो बैठो बैठो। हाँ, बड़ी खुशी भाई। और तो सब ठीक ठाक है ना? हाँ बुआ, सब। हाँ दुआ रही हो कुछ दिन? अभी चार पांच दिन तो रुक बा अभी। अच्छा क्यों चले आओ छुट्टी लेके? काहे हुआ? अरे कुछ दिन अगर और ना आए होते हो तो ये छावनी खुद पहुंच गई होती। बुआ। अच्छा हम अब कुछ ना कहबे, लेकिन एक बात ही बताओ कि ये का कैसे मालूम हुई है कि ये की गैर मौजूदगी में तोरा हिया का हाल रहा है? बुआ, हाँ बुआ, इनसे कहो ना आपकी ना जाए, और अगर जाए तो हमका भी साथ लेते जाएं। अच्छा मीना बुआ, मैं इनको ले तो जाऊं। हाँ। पर इनसे पूछ लियो का ही हमारे साथ हुआ परेड करी है। हाँ बता, परेड कर मैं परेड करूंगी। और अम्मा बाबूजी बुआ, उन लोगों की तो यहीं ही परेड हो जाइए। बता। अरे भला कौन करिए घर का काम? अरे नौकरी करे जरूरी है, है? तोरी मोहब्बत पर कौन सी आफत आ गई है और तू घर का काम काज संभालो? नौकरी ना करी है, कमाई ना करी है तो खिलाई है कहाँ से, और पैसा कहाँ से आई है? ये पैसे की दुनिया है बिटिया, पैसे की। और जब पैसा ना रही है तो तोरा ये इश्क उश भी सब जाऊ है ना, सब हवा हो जाइए। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, अरे उसी को देख के जीते हैं जिस काफिर पर दम निकले।
देखा आपने, खाना खाते ऊपर चढ़ गया, तनिक देर भी नहीं बैठा हमारे साथ। आधी रात तक खुसर पुसर किया करते हैं दोनों। खुसर पुसर किया करते, चल चल अंदर चलो। खुसर पुसर किया करते।